गुड मॉर्निंग। देखो अपना चल रहा है विद्युत धारा, अपना चल रहा है आपका विद्युत धारा। लेसन नंबर आपका 10 है। तो अपन ने ओम का नियम देखा, इसके अलावा अपन ने क्या देखा कि कल लास्ट का टॉपिक था विद्युत शक्ति भी देख चुके हैं। इसके अलावा अपन लास्ट में देखे थे विद्युत शक्ति, और मैंने लास्ट में आपको कहा था कि जो शक्ति होती है उसको किस किस में नापते हैं, किलोवाट में, ठीक है, इसके अलावा हाउस पावर में, इसके अलावा मेगावाट में। ये अपन ने लास्ट में देखा था किलोवाट, मेगावाट और हाउस पावर, ये अपन ने शक्ति देखी थी। देखो आज अपन ये देखेंगे कि जैसे आपके घरों में बिल आ रहा है, ठीक है, बिल आ रहा है, तो उसकी आप गणना कैसे करो कि जैसे आपके एक यूनिट का 10 रुपये है, जैसे सपोज एक यूनिट है, एक यूनिट आ रही है उसका कितना है आपके, एक यूनिट का सपोज 8 रुपये है या 8 रुपये 50 पैसे है, तो आपने कितनी यूनिट खर्च किए उस हिसाब से आपके क्या आता है, बिल आता है। इसके अलावा बिल में क्या होते हैं, कुछ टैक्स होते हैं, अलग अलग सरचार्जेज आते हैं, तो वो सारे अपन देखेंगे। तो आज अपन देखते हैं जैसे आपके घरों में खर्चा आया है यूनिट का, पर यूनिट अपन कैसे निकालेंगे, तो आज अपन देखेंगे विद्युत ऊर्जा। आज देखेंगे अपन विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा में देखते हैं विद्युत ऊर्जा को किससे नापते हैं, पी इंटू टी। पी क्या है आपकी शक्ति और टी क्या है आपका समय। पी क्या है आपकी शक्ति यानी पावर और टी क्या है आपका समय। तो विद्युत ऊर्जा की गणना किससे की जाती है, पी इंटू टी। शक्ति को समय से गुणा करोगे तो आपकी क्या प्राप्त होगी, विद्युत ऊर्जा, ठीक है। अब देखो अपन देखते हैं कि जो आपका किलोवाट है, जो आपकी किलो वो जो विद्युत शक्ति होती है उसको किस में नापा जाता है, किलोवाट। एच का मतलब है घंटा, के का मतलब है आपका किलो, ठीक है, डब्लू का मतलब है वाट और एच का मतलब है घंटा। जो आपकी शक्ति होती है या विद्युत ऊर्जा होती है उसको पर घंटे के हिसाब से क्या किया जाता है, नापा जाता है। इसको ऐसे समझो जैसे अपने स्कूल है रामेश्वर में, स्कूल में क्या है आपके 3 कमरों में आपके एक एक बल्ब लग रखा है, 3 कमरों में एक एक बल्ब लग रखा है, कितने वाट का बल्ब है, डब्लू आ जाएगा। रामेश्वरम स्कूल है आपकी, सपोज आपकी स्कूल में क्या है 3 कमरे हैं जिनमें क्या है आपके लाइट जल रही है, 3 कमरों में लाइट जल रही है और कितने बल्ब लगा रखे हैं आपके, 3 बल्ब लगा रखे, तीनों में क्या है आपके एक एक बल्ब लगा रखे, ठीक है। और वो रोजाना कितने घंटे चलते हैं, दिन में तो आपको लाइट की रिक्वायरमेंट होगी नहीं, आपको इवनिंग में होगी, तो ये 3 जो बल्ब है वो जलते हैं आपके 4-4 घंटे, कितने घंटे चलते हैं 4-4 घंटे, तो आपके क्या है किलोवाट और हावर का मतलब घंटे। तो अपन अब ऐसे निकालेंगे कि जो आपके 1 महीने का खर्चा है या 2 महीने का खर्चा है या 5 दिन का जो खर्चा वो कैसे निकालेंगे। अब अपन को ये भी पता होना चाहिए कि 1 यूनिट का खर्चा कितना होता है, तो इस हिसाब से अपन निकाल सकते हैं। देखो इसमें कैसे सूत्र को फॉलो करेंगे अपन देखते हैं। अब अपन ने कहा कि जो आपकी विद्युत ऊर्जा होती है वो किसका गुणनफल होती है, शक्ति और समय का, किसका गुणनफल होती है आपकी शक्ति और समय का। अब इसको अपन इसको करेंगे 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट मतलब 1 किलोवाट घंटा। अब आपको पता है 1 किलो में कितने होते हैं आपके 1000 ग्राम होते हैं, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं आपके 1000 ग्राम होंगे, ठीक है। इसके अलावा 1 किलोवाट हो गया, 1 घंटे में कितनी मिनट होती है आपकी 60 मिनट होती है, 1 घंटे में कितनी मिनट हो गई आपकी 60 मिनट हो गई, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है 1 किलोवाट घंटा, इसको क्या करेंगे अपन, इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ गया 10 की घात 3, लिख दूं, लिख सकती हूँ ना 10 की घात 3, और ये कितने हैं आपके, इसको अपन क्या करेंगे इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो कितने आ गए 3600, 6 को 6 से गुणा किया तो कितने
दोबारा देखो, अगर अपन को विद्युत ऊर्जा निकालनी है, विद्युत ऊर्जा किसके बराबर होती है? शक्ति और समय के बराबर। किसके बराबर होगी? शक्ति और समय के बराबर। शक्ति और समय के, अब देखो अपन इसको जो किलो विद्युत ऊर्जा है इसको किस में नापेंगे? अश्व शक्ति में नापेंगे नहीं, क्योंकि वो बड़ा मात्रक है। घरों में जो आपके यूनिट होती है वो इसमें मेजर की जाती है, किलो वॉट घंटा। एक किलो में कितने होते हैं? 1000 वॉट होते, सॉरी 1000 किलोग्राम होते, ठीक है। इसके अलावा आपके जो समय है वो अपन ने घंटे में नापा है। अब इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो अपन क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा, ये किसके इक्वल आ जाएगा? वाट इंटू सेकेंड, ठीक है। अब देखो वाट इंटू सेकेंड को देखो, ये आ गया आपके 10 की घात 5 इंटू कितना आ गया आपके 36, 10 की घात 5 इंटू 36, ये किसके बराबर है? वाट बटे सेकेंड। और आपको पता है कि जूल बटे सेकेंड, ये क्या कह रहा है? जूल भी क्या होता है आपका? कार्य का मात्रक। कार्य का मात्रक क्या होता है आपका? जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। तो जूल बटे सेकेंड इंटू सेकेंड, जूल बटे सेकेंड इंटू सेकेंड कहाँ से आएगा? यहाँ पे क्या है आपका? वाट है। वाट किसका मात्रक है आपका? कार्य का। तो जूल बटे सेकेंड क्या होता है आपका? कार्य का मात्रक होता है। वाट किसके बराबर होता है? कार्य बराबर क्या होता है? जूल बटे सेकेंड। थोड़ा पीछे चलते हैं, जूल बटे सेकेंड, ठीक है। ये कार्य किसके बराबर होता है? डब्लू के बराबर। अपने है ना यहाँ पे वाट, अपने यहाँ पे वाट दे रखा है, ये देखो। इसीलिए अपन ने क्या किया, जो इसकी जगह क्या लिख दिया? डब्लू की जगह जूल बटे सेकेंड। और ये क्या है आपका? अपने वहां से सेकेंड आ ही रहा है, तो अगर इसको अपन आगे इसको जूल में परिवर्तित करें तो ये क्या आ जाएगा? 36 × 10³। ये जूल में है, ये किस में है? जूल में है। और ये किस में है आपके? वाट में है। जैसे भी आप चाहो वैसे कर सकते हो। अब अपन को एक यूनिट का खर्चा निकालना है, ठीक है। आपके घरों में कितनी ऊर्जा खपत हो रही है उसको किस सूत्र से निकालेंगे वो देख लो। आपके घरों में जो ऊर्जा की खपत हो रही है वे विद्युत ऊर्जा, मतलब आपके घर में कोई बल्ब चल रहा है वे विद्युत ऊर्जा। जैसे आपके घर में 3 बल्ब चलते हैं रोजाना 5 घंटे, ठीक है, तो उनमें से आपको ये निकालना है कि आपके कुल ऊर्जा की खपत कितनी होती है। तो इसको किससे निकालेंगे? कुल ऊर्जा खपत बराबर होगा P × T / 1000। P × T × 1000, P यानी शक्ति, T यानी टाइम, उसको किससे डिवाइड कर दोगे? आपके 1000 से। तो इससे आपका ऊर्जा की खपत निकल जाएगी। अब आपके यूनिट, एक यूनिट का कितना पैसा लग रहा है? 8 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये, तो उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो? इसको ज्ञात कर सकते हो। इसमें आपके आंकी क्वेश्चन आता है तो आपको ये सूत्र पता होना चाहिए कि ये सूत्र कौन सा है। सूत्र से आप आसानी से क्या कर सकते हो? आपके विद्युत वे ज्ञात कर सकते हो। तो ये था आपके विद्युत ऊर्जा। अगला देखते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अगला देखते हैं आपके विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब देखो इसमें क्या किया जाएगा, एक ये दिया था फैराडे, एक साइंटिस्ट था आपके फैराडे। विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव था वो किसने दिया था? आपके फैराडे ने दिया था। फैराडे ने क्या किया था? एक कुंडली ली थी। कुंडली क्या होती है वो देखते हैं अपन। फैराडे ने क्या किया? एक कुंडली बनाई। कुंडली का मतलब होता है आप एक तार लोगे उसको इस तरीके से मोड़ दोगे, ठीक है, ये क्या कहलाती है? आपकी कुंडली। अब इससे क्या कर दोगे? एक वोल्ट मीटर जोड़ दोगे। इससे क्या कर दोगे? आप एक वोल्ट मीटर जोड़ दोगे। तो ये क्या कह रहा है? जब कुंडली और आपकी जो चुंबक है, एक चुंबक लेके, छड़ चुंबक, छड़ चुंबक का मतलब होता है ऐसी चुंबक, ठीक है,
ठीक है, एक होगा साउथ पोल, एक होगा नॉर्थ पोल, ठीक है, दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या कहता है, जब एक कुंडली और जो आपकी छड़ चुंबक है उसके सापेक्ष गति कराओगे। अगर एक कुंडली में और आपके छड़ चुंबक में आप आपस में गति करवाओगे, तो जो ये कुंडली में वोल्ट मीटर लग रखा है, कुंडली में जो भी आपका जैसे वोल्ट मीटर लग रहा है तो विभवांतर को नापेगा, तो क्या होगा बेटा इसमें, जैसे आप या तो कुंडली के पास चुंबक को ले जा रहे हो या फिर क्या कर रहे हो आप, देखो जैसे ही क्या करते हैं अपन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में देखते हैं, या तो आप चुंबक को कुंडली के पास ले जाते हो या कुंडली को चुंबक के पास ले जाते हैं, तो ये जो आपका गैल्वेनोमीटर लग रहा है इसमें कुछ न कुछ विक्षेप आएगा, या तो ये सुई इधर जाएगी या इधर जाएगी। तो क्या कह रहा है, जब कुंडली और जो आपकी एक कुंडली होती है और जो छड़ चुंबक होती है उसमें आप सापेक्ष गति करवाओगे, इसको अपन अभी डिटेल से समझेंगे, पहले इसका स्टेटमेंट समझते हैं। इसने क्या आपका सिद्धांत दिया था, जैसे जैसे चुंबकीय सुई, देखो चुंबकीय सुई या ऐसे लिख सकते हो कुंडली व छड़ चुंबक के बीच, छड़ चुंबक के बीच सापेक्ष गति करवाते हैं, सापेक्ष गति करवाते हैं, तो कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या कह रहा है, जब आपने एक कुंडली ली, ठीक है, इसके अलावा छड़ चुंबक ली, तो उनमें सापेक्ष गति करवा रहे हो, जैसे एक को दूर ले जा रहे हो एक को पास ले जा रहे हो। पहले अपन ने क्या किया, कुंडली के पास चुंबक लेके आए, तो कुंडली में विक्षेप सपोज इधर की तरफ आ रहा है, जैसे अपन बना के देखते हैं, ये आपकी कुंडली है, ये गैल्वेनोमीटर है। अब अपन क्या करते हैं, छड़ चुंबक है आपकी, इस छड़ चुंबक को कुंडली के पास ले जा रहे हैं, तो जैसे विक्षेप इधर आ गया। अब दूसरी अवस्था में क्या करेंगे, इस छड़ चुंबक को कुंडली से दूर ले जाएंगे, तो सपोज विक्षेप इधर आ गया। तो इन दोनों में जब सापेक्ष गति की जाती है, मतलब या तो आप चुंबक को कुंडली के पास लाओ या कुंडली को चुंबक के पास लाओ, तो जो गैल्वेनोमीटर है, जो आपका गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर होता है, इसमें कुछ ना कुछ विक्षेप आता है। तो इससे सिद्ध होता है कि कुंडली और चुंबक के बीच जैसे अपन सापेक्ष गति करवाते हैं, तो यहाँ चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसमें अपन ने कोई लाइट प्रवाहित नहीं कर रखी है, अपन ने इसमें कोई बिजली प्रवाहित नहीं कर रखी है, फिर भी क्या होता है, इसमें विक्षेप आता है। तो इससे सिद्ध होता है कि जब कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष गति होगी, तो उसमें क्या होता है, आपका विद्युत क्षेत्र, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसे ही क्या कहते हैं अपन, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये कुंडली क्या है आपकी, इसके संपर्क में आने से इसमें चुंबकीय गुण आ जाएंगे और इसमें विक्षेप उत्पन्न होगा। ठीक है, तीन स्थितियां दे रखी है आपके, तीनों को अपन समझ लेते हैं। अपन ने क्या किया, एक परिपथ बनाया, वही परिपथ आपके एक तरफ क्या होगा, आपकी धनात्मक शिरा होगा, एक तरफ क्या होगा, आपका ऋणात्मक शिरा होगा। ये आपकी कुंडली लगी हुई है, ये क्या है आपकी कुंडली, ये क्या आपका सेल लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ क्या लगा दिया अपन ने, चुंबक लगा दिया है।
यहाँ पे क्या लगा दिया आपने, चुंबक लगा दिया, ये परिपथ बना लिया आपने। अपन यहाँ धारा नियंत्रक भी लगा सकते हैं, अगर धारा को नियंत्रित करनी है तो अपन ने क्या किया यहाँ पे धारा नियंत्रक लगा दिया। ये मैंने आपको इनके प्रतीक, इनके चित्र वो सिंबल बताए थे। इसके अलावा ये क्या है आपकी एन और एस, ठीक है, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, जो चुंबक की सुई है उसमें विक्षेप आएगा, ठीक है। जैसे ये है आपका इसका साउथ पोल, ये क्या है आपका नॉर्थ पोल। अब देखो इस स्थिति में, पहली स्थिति है इसमें अपन ने क्या किया, इस वाली कुंडली में कोई धारा प्रवाहित, देखो मैंने कहीं भी तीर का निशान नहीं लगाया, इसका मतलब कुंडली में धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। जब कुंडली में धारा प्रवाहित नहीं होती है तो आपके चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं आएगा। ये चुंबकीय सुई है, ये क्या आपकी चुंबकीय सुई है। जब कुंडली में धारा, कहीं भी तीर का निशान दिख रहा है क्या, मतलब धारा प्रवाहित ही नहीं हो रही है। धारा क्या हो रही है आपकी, प्रवाहित नहीं हो रही है। जब कुंडली में धारा प्रवाहित नहीं होती है तो चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं आएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसमें मैं धारा प्रवाहित करती हूँ तो देखते हैं क्या होता है। अब मैंने क्या किया, जो आपकी चुंबकीय सुई है यह आपकी क्या है, मैंने चुंबकीय सुई ली है, अब इसमें क्या किया मैंने धारा प्रवाहित कर दी। यह आपकी चुंबकीय सुई है, इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। जो चुंबकीय सुई होती है उसमें दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव होगा, ठीक है। ये आपकी छड़ चुंबक है, इसको पी क्यू नाम दे दिया अपन ने, एन एस भी दे सकते हो, आपकी मर्जी हो जो भी दे सकते हो। अब मैंने क्या किया, कुंडली में धारा प्रवाहित की, कुंडली में धारा प्रवाहित की तो क्या होगा, चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा। जैसे ये दूसरी स्थिति है आपकी, पहली स्थिति क्या थी, जब आपने कुंडली में धारा प्रवाहित नहीं की, जब कुंडली में धारा प्रवाहित नहीं करते तो चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं आ रहा था, वो बिल्कुल सीधी थी। जैसे ही अपन ने कुंडली में धारा प्रवाहित की तो चुंबकीय सुई में क्या आ जाता है, आपका विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। इससे सिद्ध हो रहा है कि इस कुंडली में क्या हो रहा है, आपके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। अब तीसरी स्थिति देखते हैं अपन, तीसरी स्थिति में क्या किया अपन ने, वैसा का वैसा अपन ये लेंगे। अब तीसरी स्थिति में क्या किया अपन ने, धारा की दिशा बदल दी। तीसरी स्थिति में क्या किया अपन ने, धारा की दिशा को बदल दिया। धारा कैसे बहती है आपकी, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। अब मैंने क्या किया, तीसरी स्थिति में धारा की दिशा को क्या कर दिया आपका, परिवर्तित कर दिया है। पहले कैसी थी, इधर से, अब धारा कैसे बह रही है आपकी, ऐसे बह रही है। ये क्या है आपका छड़ चुंबक है पी और क्यू, और ये क्या है आपकी चुंबकीय सुई है। अब देखो पहले आपकी धारा कैसे प्रवाहित हो रही थी, पिछली स्थिति में ऐसे प्रवाहित हो रही थी, विक्षेप इधर आ रहा था। अब जैसे ही मैंने धारा की दिशा परिवर्तित की तो चुंबकीय सुई में जो विक्षेप होता है वो भी क्या हो जाता है आपका, परिवर्तित। जैसे ही मैंने धारा की दिशा परिवर्तित की, चुंबकीय सुई में विक्षेप किधर से किधर आ जाएगा आपका, ये इसका नॉर्थ पोल और ये क्या इसका साउथ पोल। तो जैसे जैसे चुंबकीय सुई में, या कह सकते हैं अगर कुंडली में धारा प्रवाहित नहीं की है तो चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं आएगा। अगर आपने धनात्मक से, जिस तरह से आपने धारा प्रवाहित की है, अगर धारा की दिशा परिवर्तित कर दी तो विक्षेप की दिशा भी क्या हो जाती है आपकी, परिवर्तित हो जाती है। तो ये है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये है आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। अब यहाँ से बड़ा क्वेश्चन भी आता है और आपका छोटा क्वेश्चन भी आता है। अब अपन देखेंगे, जो अपन ने देखा था कि चुंबकीय क्षेत्र, इसकी वजह से इसमें एक क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो उसकी दिशा क्या होगी, इसके लिए कुछ नियम दिए गए हैं, तो उन नियमों को अपन विस्तार से पढ़ेंगे। उन नियमों को क्या करेंगे अपन, विस्तार से पढ़ेंगे। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, दिशा ज्ञात करने के नियम,
जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ उसकी दिशा का पता कैसे चलेगा उसके लिए अपन ने कुछ नियम देखेंगे। तो पहला है दक्षिणावर्त पेच का नियम। पहला क्या है आपका, इसको ऐसा का ऐसे याद करना है आपको। पहला नियम है दक्षिणावर्त पेच का नियम। दक्षिणावर्त पेच का नियम, ये नियम क्या कहता है आपका, जैसे एक मैं पेज बनाती हूँ, अब देखो उसकी दिशा कैसे परिवर्तित होती है। ये आपका एक दक्षिणावर्त पेज है, ये क्या है आपका एक दक्षिणावर्त पेज है, ये एक पेज है, जैसे आपके पेज होते हैं ना वो पेज है वैसा। ये है आपकी विद्युत धारा, विद्युत धारा की दिशा। दूसरा है आपके चुंबकीय क्षेत्र, ये किसकी दिशा को प्रदर्शित कर रहा है आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। अब देखो मैंने क्या किया, एक स्क्रू लिया, एक पेच लिया, उसको मैं ऐसे घुमाती हूँ, ठीक है, मैं उसको ऐसे घुमा रही हूँ, जैसे अपन पेच, जैसे कहीं पे पेच लगाते हैं उसको ऐसे घुमाते हैं। जो ये घुमा हुआ है, ये कोने वाला हिस्सा आपको किसको प्रदर्शित कर रहा है, विद्युत धारा की दिशा को। ये किसको प्रदर्शित कर रहा है आपके, विद्युत धारा की दिशा को। और जो ये नीचे वाला, जो पीछे वाला पोर्शन है, देखो ये पेच ऐसे घूमेगा, ये पेच ऐसे घूमेगा, जैसे आप ऐसे घुमाते जा रहे हो, तो जो इसके टिप वाला पोर्शन है, नोक वाला हिस्सा है, वो किसको प्रदर्शित करेगा, विद्युत धारा की दिशा को। और जो पीछे वाला ऐसे मुड़ा हुआ क्षेत्र है, जो मुड़ रहा है बार बार, जैसे दीवार में, ये आपका पेच है, ये समझ लो ये आपका पेच है। अब इसको अपन दीवार में ऐसे 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 उसको कर रहे हैं, ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं उसको, ऐसे ऐसे, तो जो ये नुक वाला पोर्शन है वो तो किसको प्रदर्शित करेगा, विद्युत धारा की दिशा को। और जो पीछे वाला क्षेत्र जो ऐसे घूमता जा रहा है वो किसको प्रदर्शित करेगा, चुंबकीय क्षेत्र को। तो ये नियम कहलाता है आपका दक्षिणावर्त पेच का नियम। इस नियम के अनुसार कैसे क्या होगा, जैसे आप किसी पेज को ऐसे घुमा रहे हो तो वो ऊपर वाला पोर्शन किसको प्रदर्शित करेगा आपके, विद्युत धारा की दिशा को। और जो पीछे वाला क्षेत्र है वो किसको प्रदर्शित करेगा आपके, जैसे मेरा ये हाथ है, सपोज ये पेज है, तो मैं यहाँ से ऐसे घुमा रही हूँ, तो ये वाला पोर्शन विद्युत धारा की दिशा को, और पीछे वाला पोर्शन किसको प्रदर्शित करेगा आपके, चुंबकीय क्षेत्र को। तो ये है आपके दक्षिणावर्त पेच का नियम। इसको ऐसे लिखेंगे, जब दक्षिणावर्त पेच को अपन घुमाते हैं तो उसका जो नोक होता है वो विद्युत धारा की दिशा को, और पीछे वाला जो है वो किसको प्रदर्शित करेगा, चुंबकीय क्षेत्र को। ये है आपके दक्षिणावर्त पेच का नियम। दूसरा नियम है दक्षिण हस्त का नियम। दूसरा नियम कौन सा आपका, दक्षिण हस्त का नियम, मतलब दक्षिणी हाथ का नियम, हस्त यानी हाथ, दक्षिणी हस्त का नियम। इसके अनुसार क्या करेंगे, देखो अपन एक धारावाही चालक है उसको ऐसे पकड़ेंगे। देखो आप, मैंने क्या किया, एक धारावाही चालक को ऐसे पकड़ा है, देखो अंगूठा ऊपर की तरफ है और ये जो मुड़ी हुई अंगुलियां वो इसकी तरफ है। मैंने एक धारावाही चालक को ऐसे पकड़ा, ऐसे देखो आप, मैंने क्या किया, धारावाही चालक को ऐसे पकड़ लिया, ठीक है। तो जो ये वाला हिस्सा, ये किसको प्रदर्शित करेगा आपका, विद्युत धारा की दिशा को। और जो ये मुड़ी हुई अंगुलियां है मेरी, ये किसको प्रदर्शित करेगी आपके, चुंबकीय क्षेत्र को। तो अपन इसको लिखेंगे कैसे, दक्षिणी हस्त के नियम से अपन क्या करते हैं, एक धारावाही चालक को अपन ऐसे पकड़ते, ऐसे समझो आप, दक्षिणी हस्त नियम के अनुसार एक धारावाही चालक को ऐसे पकड़ेंगे अपन। ऐसे पकड़ने से होगा क्या, कि जो आपका अंगूठा है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है आपके, विद्युत धारा की दिशा को। और जो मुड़ी हुई अंगुलियां है वो किसको प्रदर्शित कर रही है आपके, चुंबकीय क्षेत्र को। यही दक्षिण हस्त नियम है। इन दोनों नियम से अपन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं। तो इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, चित्र से समझा सकते हो या फिर आप थ्योरी में लिख के समझा सकते हो, और ये दोनों आते हैं, ठीक है। तो ये था आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का, दो नियम दे रखे थे, वो दोनों नियम अपन ने देखे। अब देखते हैं, जो अपन कह रहे हैं कि ये तो धारा की दिशा है, ये क्या है आपके, चुंबकीय क्षेत्र।
क्वेश्चन ये बनता है कि ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कैसे हो गया, कहाँ से आ गया चुंबकीय क्षेत्र, किसकी वजह से उत्पन्न हुआ, वो देखेंगे हम। जैसे मैंने बार बार कह रही हूँ कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, पर हुआ कहाँ से, किसकी वजह से उत्पन्न हुआ, वो देखते हैं अपन। तो आपका अगला टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र और बल रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र व चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो क्या होता है और चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है। अब देखो अपन ने क्या लिए, एक चुंबक लिए, अपन ने क्या लिए, एक चुंबक ले ली। आपको पता है चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। कौन कौन से ध्रुव होंगे आपके, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जिसको बोलते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब क्या होगा, आप मेरी बात पे विश्वास नहीं करो तो आप एक लोहे का टुकड़ा लेना या लोहे का कुछ भी ले लेना और एक चुंबक हो उसको उसके पास ले जाना, वो चिपक जाएगी, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, एक लोहा लेते हैं, ठीक है, लोहे की एक पत्ती ले लिया आपने, उसके थोड़ी देर आप चुंबक रगड़ो, ऐसे ऐसे चुंबक रगड़ते रहोगे, फिर चुंबक को तो साइड में कर लो और जो कीलें होती हैं, आलपिन होती है, उसको क्या करो, जो आप जिस पे लोहे पे आप जिस पे कीले वो सॉरी चुंबक रगड़े थे उसके पास लेके जाओ, तो देखना वो कीले उसकी ओर आकर्षित होगी। वो क्यों आकर्षित हुई, क्योंकि उसमें कौन से लक्षण आ गए लोहे में, चुंबक के लक्षण आ गए। तो वैसे ही क्या होते, जो चुंबक होता है उससे कुछ काल्पनिक रेखाएं निकलती हैं, उनको क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबक से कुछ काल्पनिक रेखाएं निकलती हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं बोलते हैं। उन्हें क्या बोलेंगे अपन, चुंबकीय बल रेखाएं बोलेंगे। इनको ऐसे प्रदर्शित करते हैं अपन, इनको ऐसे प्रदर्शित करेंगे। पहले क्या करेंगे, इधर से जो रेखाएं आएगी वो अंदर प्रवेश करेगी, ये इसके अंदर प्रवेश कर रही है और ये क्या कर रही है, इसमें बाहर निकल रही है, ठीक है। अब इनकी दिशा को भी प्रदर्शित करना होता है, ये ऐसे होती है आपकी, ये चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होगी आपकी, ऐसे होगी, नहीं इनकी दोनों की दिशा एक तरफ भी होगी, ये देख लेना आप, दिशा में गड़बड़ होती है। तो चुंबक के चारों ओर जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है या चुंबक के चारों ओर जो रेखाएं प्रदर्शित की जाती है वो क्या कहलाती है आपकी, चुंबकीय बल रेखाएं। और इन्हीं की वजह से क्या होता है आपका, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इन्हीं बल रेखाओं की वजह से क्या होता है आपका, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ये थी आपकी चुंबकीय बल रेखाएं, या इनको ऐसे लिख सकते हैं वे काल्पनिक रेखाएं, ऐसे लिख लो इसकी परिभाषा, वे काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित होती है, और कह सकते हैं इनके कारण ही क्या होता है आपका, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। वे काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। तो ये है आपकी चुंबकीय बल रेखाएं। अब देखेंगे अपन विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, इसको बंद करना भी आता है ना। अब देखेंगे अपन चुंबकीय प्रेरण जो अपन कल देखेंगे,